इंडिया रशिया की दोस्ती के किस्से बहुत मशहूर हैं और बहुत से देश इन रिश्तों से चलते भी हैं। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत से देशों ने इसका विरोध किया और रशिया के खिलाफ काफी प्रस्ताव प्रेजेंट हुए, लेकिन इंडिया ने रशिया का बहुत साथ दिया और काफी जगह रशिया के सपोर्ट में वोट दिया। तो आखिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया? जब सभी इस वॉर की निंदा कर रहे हैं तो इंडिया ने रशिया का साथ क्यों दिया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार बार इंडिया रशिया का साथ क्यों देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में रशिया का खूब साथ दिया है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि रशिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। यूएनएससी को पूरी दुनिया में पीस और सेफ्टी बनाए रखने का काम सौंपा गया है। यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर को एक वोट का यूज करने का राइट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन बाइंडिंग है और इसको फॉलो हर एक मेंबर नेशन को करना पड़ता है। जब भी वर्ल्ड पीस को खतरा होता है, यूएनएससी यह फैसला करने के लिए इनिशिएटिव लेता है कि मेंबर कंट्रीज और वायलेंस के कार्य में शामिल कंट्रीज के साथ चर्चा करने के बाद वायलेंस को कैसे रोका जाएगा। कभी कभी यूएनएससी बैन लगाता है और यहाँ तक कि पीस बनाए रखने के लिए जब भी जरूरी हो तो फोर्स यूज करने की मंजूरी भी देता है। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और यूएसएसआर ने यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाया और यही कारण है कि इन कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस में कुछ ज्यादा ही पावर्स मिली हुई हैं। ये 5 देश यूएनएससी में परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं और इनके पास एक स्पेशल वोटिंग पावर भी है जिसे वीटो के अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। यदि इन 5 देशों में से किसी एक ने भी यूएनएससी में नेगेटिव वोट डाला तो कोई भी प्रस्ताव या डिसीजन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रशिया में किसी ने भी यूएनएससी के किसी प्रस्ताव पर ऑपोजिट में वोट डाला तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। सभी 5 परमानेंट मेंबर्स ने अलग अलग मौकों पर वीटो के अधिकार को यूज किया है। शुरुआती सालों में यूएसएसआर अक्सर वीटो पावर का इस्तेमाल करता था। ये इतना ज्यादा था कि रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त के सोवियत एम्बेसडर आंद्रे ग्रेमिको ने मिस्टर नेट और व्याचेस्लाव मोलोतोव को मिस्टर वीटो के नाम से जाना जाता था। इन सालों में रशिया ने कुल 146 वीटो या सभी वीटो के करीब आधे का इस्तेमाल किया है। 1946 के बाद से जब यूएसएसआर ने लेबनन और सीरिया से विदेशी सैनिकों की वापसी के संबंध में एक मसौदा प्रस्ताव पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो वो 294 बार इस पावर का इस्तेमाल था। पिछले कुछ वर्षों में यूएसएसआर ने भारत के पक्ष में भी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर रशिया ने भारत के समर्थन में 4 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कब हुआ। 1957, यूएसएसआर ने पहली बार 1957 में कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। 1955 में जब सोवियत यूनियन की उस वक्त की नेता निकिता ख्रुश्चेव ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि मॉस्को बस सीमा के उस पार है और कश्मीर में किसी भी परेशानी के मामले में दिल्ली को यूएसएसआर को बस बताना है। वो अपने शब्दों पर कायम रहे और जब पाकिस्तान ने डिमिलिटराइजेशन के संबंध में एक टेम्परेरी यूनाइटेड नेशंस फोर्स के इस्तेमाल का ऑफर रखा और बायलेटरल मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा बनने के करीब पहुंचा, तो यूएसएसआर ने भारत के पक्ष में वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया और ये ऑफर खारिज हो गया। अगर यूएसएसआर इंडिया का साथ नहीं देता तो इंडिया को अपनी मिलिट्री स्केल डाउन करनी पड़ती जिसका सीधा फायदा पाकिस्तान को होता, लेकिन थैंक्स टू रशिया ऐसा नहीं हुआ। 1961 में पुर्तगाल ने गोवा के संबंध में यूएनएससी को एक पत्र भेजा था। इस समय गोवा अभी भी पुर्तगाल के रूल में था और भारत इस रीजन को आजाद करने और इसे अपने राष्ट्र का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस के ऑपोजिट पुर्तगाल ने भारत में अपने क्षेत्र को जाने देने से मना कर दिया और यहाँ तक कि गोवा में प्रोटेस्टर्स पे गोलियां भी चला दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निकिता ख्रुश्चेव ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में कॉलोनियलिज्म की हुकूमत को खत्म करने के लिए भारत की कार्रवाई बिल्कुल सही थी। पुर्तगाल ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर को लागू करने की कोशिश की और एक ऑफर प्रेजेंट किया कि भारत को गोवा से अपनी सेना वापस लेनी चाहिए। जानकर हैरानी होगी कि इस समय इस ऑफर को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा समर्थन मिला था, लेकिन रशिया भारत के बचाव में आया और वीटो पावर का यूज करके इस ऑफर को वहां से उड़ा दिया।
इसने भारत के ऑब्जेक्टिव को मजबूत किया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा इन द एंड पोर्टुगल के रूल से मुक्त हो गया। ये रशिया का 99th पीटो था। 1962 यूएसएसआर ने 1962 में अपने 100 वीटो का इस्तेमाल किया और इस बार फिर से भारत के सपोर्ट में। यूएनएससी में एक आयरिश प्रस्ताव ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करने की रिक्वेस्ट की। 7 यूएनएससी मेंबर्स ने इसका सपोर्ट किया और इनमें से 4 परमानेंट मेंबर्स थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और फिर रशियन रिप्रेजेंटेटिव प्लेटन दिमित्रित मोरोजोव ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस ऑफर को जीरो बट्टा गुल कर दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के बाद उस वक्त के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसका विरोध किया। खबरों के अनुसार पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह ने कश्मीर मुद्दे को लेकर वॉकआउट को यूनाइटेड नेशंस के लिए टर्निंग पॉइंट करार दिया। 1971 को छोड़कर जब कश्मीर मुद्दे पर और भी ऑफर्स या रिप्रेजेंटेशन किए गए थे तब कश्मीर मुद्दा यूएनएससी में इनएक्टिव हो गया था। लेकिन दिसंबर 1971 में जब भारत बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ था तब यूएसएसआर ने इस मुद्दे को एश्योर करने के लिए 3 बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि कश्मीर कभी भी एक वर्ल्ड वाइड टॉपिक ना बनकर एक बायलेटरल मुद्दा बना रहा। अगर ये वर्ल्ड वाइड मुद्दा बन जाता तो आज जो हाल यूक्रेन का हो रहा है वैसा कुछ इंडिया पाकिस्तान में हो रहा होता, क्योंकि बाकी देश अपने अलाय देश का साथ देना शुरू कर देते और इससे युद्ध का संकट और बढ़ जाता। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस तक ही भारत और रशिया की दोस्ती लिमिटेड नहीं है, हम रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल भी लेते हैं। हाल ही में जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थी तब इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लिया और इससे रशिया को भी फायदा हुआ और इंडिया को भी। क्रूड ऑयल के अलावा जिन चीजों का रशिया से इंपोर्ट बढ़ा है उनमें सबसे टॉप पर है डिफेंस मटेरियल, कोल, खाद्य और सनफ्लावर ऑयल। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2016 से 2021 के बीच अपने 23% डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता था जो ईयर 2022 में 69.6% पर पहुंच गया है। इसके अलावा इंडिया का एक और वर्ष पुराना सपना, और अगर वो सच हो गया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, और वो सपना कुछ और नहीं बल्कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना है। आप ये देखिए कि परमानेंट मेंबर के पास कितनी पावर है, और अगर इंडिया इस मुकाम पर पहुंच गया तो हमसे पंगा लेना किसी को भी भारी पड़ेगा, और रशिया से दोस्ती इंडिया की यूएनएससी मेंबरशिप का एक अहम हिस्सा है। तो क्या आपको इंडिया और रशिया की दोस्ती सही लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। टिल देन गुड बाय।